इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स का सामाजिक समझौता। होब्स के सामाजिक समझौते में सबसे पहले इसकी भूमिका देखेंगे, यानी कि सामाजिक समझौता क्या है, इसका निर्माण क्यों हुआ था। उसके बाद में पढ़ेंगे सामाजिक समझौते की विशेषताएं और उसके बाद में इसका मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक समझौते की भूमिका, यानी कि सामाजिक समझौता किन परिस्थितियों में किया गया था। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के भय से त्रस्त था, अतः मनुष्यों ने आत्म सुरक्षा हेतु समझौता करके राज्य का निर्माण किया। तो मनुष्यों ने समझौता करके राज्य का निर्माण क्यों किया? आत्म सुरक्षा के लिए या आत्म रक्षा के लिए, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके, जो प्राकृतिक अवस्था की अराजकता है उससे छुटकारा मिल सके। यदि मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन कर लेता तो राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रकार होब्स ने राज्य की उत्पत्ति का एक सुनिश्चित कारण बताया है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर के एक सामाजिक समझौता किया है, उस सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? आत्म रक्षा के लिए या जीवन की रक्षा के लिए। अब देखते हैं होब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है, होब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय है। जनता ने आपस में समझौता करके संप्रभु शासक का निर्माण किया है। यह समझौता जनता व संप्रभु के बीच नहीं हुआ है। यानी कि जो होब्स का सामाजिक समझौता है वह एक पक्षीय है, इसमें केवल जनता ने ही भाग लिया है। और जनता ने आपस में समझौता करके एक संप्रभु शासक का निर्माण किया है। जो संप्रभु शासक है वह इस समझौते का भाग नहीं है, इस समझौते का पक्ष नहीं है। अर्थात संप्रभु शासक समझौते का पक्ष न होकर समझौते का परिणाम है। यानी कि समझौते के द्वारा संप्रभु शासक का निर्माण होता है, लेकिन संप्रभु शासक समझौते में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब होब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय है। अब देखते हैं दूसरी विशेषता, संप्रभु शासक स्वयं समझौते का पक्ष नहीं है, अतः है उस पर समझौते की कोई शर्त लागू नहीं होती। समझौते के बाद सभी लोगों को संप्रभु के आदेशों का पालन करना ही होगा। जो संप्रभु है वह समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए संप्रभु पर समझौते की कोई भी शर्त लागू नहीं होती है। और समझौते के बाद सभी लोगों को संप्रभु के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। तीसरी विशेषता है, होब्स ने जनता को शासक का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया है। विरोध करने से समझौते का उल्लंघन होगा, इस प्रकार होब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। तो जो होब्स है वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। चौथी विशेषता है, होब्स राज्य की सत्ता को कॉमनवेल्थ कहता है। राज्य की सत्ता या फिर राज्य कह सकते हैं। तो जो होब्स है वह राज्य को या राज्य की सत्ता को या सरकार को कॉमनवेल्थ कहता है। इस कॉमनवेल्थ का संचालक लेवियाथन है, यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में शासन करने की सभी निरंकुश शक्तियां होती हैं उसको लेवियाथन कहा गया है। तो कॉमनवेल्थ क्या है? राज्य का नाम है। और उस राज्य में जो सत्ता का
उपयोग करता है, जो शासन चलाता है, उसको लेवियाथन कहा गया है। होब्स की एक बुक का नाम ही लेवियाथन है। और लेवियाथन क्या होता है? लेवियाथन एक बहुत बड़ा जलीय जंतु होता है जो किसी को भी खा सकता है, यानी कि एक दत्याकार जलीय जंतु होता है, एक राक्षस के समान जलीय जंतु होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है? लेवियाथन होता है। इसका मतलब कि जो लेवियाथन है वह बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र होगा। पांचवी विशेषता है, शासन की संपूर्ण शक्तियां शासक में ही केंद्रित हो जाती हैं। शासक की शक्तियां असीम और अमर्यादित हैं। विधि और नैतिकता उसकी इच्छा के अधीन है। इसका मतलब है कि जो संप्रभु शासक है, जो निरंकुश शासक है, उसके आदेश ही कानून माने जाएंगे, यानी कि सभी व्यक्तियों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उसने जो भी बोल दिया वही कानून बन जाएगा। और जो निरंकुश शासक है उसकी शक्तियां असीम और अमर्यादित हैं। छठी विशेषता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता वही होगी जो संप्रभु चाहेगा। होब्स शासक की शक्तियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादित कर देता है, यानी कि जो संप्रभु जितनी छूट देगा वही स्वतंत्रता मानी जाएगी। संप्रभु कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। यदि संप्रभु जनता के जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। देखो, वैसे तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है वह स्थायी है, जनता संप्रभु का विरोध नहीं कर सकती है। लेकिन यदि संप्रभु जनता के जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, क्योंकि सामाजिक समझौता ही इसलिए किया गया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सके। तो यदि शासक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है तो सामाजिक समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जनता संप्रभु शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। आठवीं विशेषता है, होब्स का सामाजिक समझौता सामाजिक व राजनीतिक दोनों है। इस समझौते से राज्य, सरकार व समाज तीनों का निर्माण होता है। यानी कि होब्स ने एक ही सामाजिक समझौता बताया है और इस एक ही सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य और सरकार दोनों का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई सामाजिक समझौते की विशेषताएं। इसके अलावा अगर सामाजिक समझौते के बारे में और जानना है तो जब हमने रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ा था तो उसमें थोड़ी सी होब्स की चर्चा की थी और थोड़ी सी रूसो की चर्चा की थी। अब देखते हैं होब्स के सामाजिक समझौते का मूल्यांकन। होब्स के समझौता सिद्धांत में व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा मानने को बाध्य है, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार होब्स प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता। देखो, वैसे तो होब्स प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है लेकिन वे प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब समझौता करके एक संप्रभु शासक की स्थापना कर दी जाती है तो उसके बाद होब्स व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता। संप्रभु की निरंकुश शक्ति स्थापित करके और व्यक्ति के अधिकारों को कुचलकर होब्स व्यक्तिवाद की मृत्यु की घोषणा कर देता है। तो व्यक्तिवाद क्या होता है? जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति के अधिकारों को महत्व दिया जाता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाद। लेकिन होब्स तो संप्रभु की निरंकुश शक्ति को स्थापित कर देता है और व्यक्ति के अधिकारों को कुचल देता है। तो इस प्रकार होब्स व्यक्तिवाद की मृत्यु की घोषणा कर देता है। इसी कारण होब्स उदारवादी परंपरा का दार्शनिक नहीं माना जा सकता। तो ये हो गया इसका मूल्यांकन और ये हमारा कंप्लीट हो गया है होब्स का सामाजिक समझौता।